तो जुबिन नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से उनकी आवाज़ रूहानी आवाज़ सबको मदहोश कर देने वाली कई ऐसे भक्ति गीत जुबिन ने गाए हैं और इस ऐतिहासिक पल पर जुबिन नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये गीत गाया, किस प्रेरणा से उन्होंने गीत गाया ये हम जानेंगे। जुबिन बहुत स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चाहूंगा कि ये बहुत ही बड़ा कार्य होने वाला है। 500 साल से जिस चीज़ का लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस तरह से वो पूरी होगी। और इस खबर से देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह धूमधाम से पूरा देश इंतज़ार कर रहा है 22 तारीख का, मुझे लगता है हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है कि भगवान राम ने एक बार फिर से पूरे देश को एकजुट कर दिया। इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इतना बड़ा कार्य उन्होंने इस तरह से अंजाम दिया जिसको। और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, जितने लोगों ने राम मंदिर को लेकर संघर्ष करा है, जितने भी हमारे साधु संत हैं जी, जितने भी हमारे राजनेता हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने हिंदुस्तानियों ने इस कार्य को लेकर संघर्ष करा है, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा और बहुत सारी शुभकामनाएँ। और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, और ये मुझे लगता है एक ऐसा वक्त है जब पूरे हिंदुस्तान को जोरों शोरों से इसको इसकी खुशी मनानी चाहिए। और ये ही दर्शाता है ये भजन जिसका नाम है आ रहे भगवान। बिल्कुल बिल्कुल जुबिन, एक और चीज़ आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा जुबिन, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से आप क्या सीख लेना चाहेंगे? आपको भगवान राम का जीवन कैसे प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें अपने जीवन में हर रोज़ सीख लेनी चाहिए जी। कुछ ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो हमेशा एक परिवार की तरह साथ रहना चाहिए, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एक और चीज़ है कि हर जीव जंतु प्राणी की इज्जत करनी चाहिए और प्यार करना चाहिए। एक और चीज़ जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हमें सीखने को मिलती है, वो हमेशा माफ़ करना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए नेचर में हमेशा। जितनी आसानी से आप माफ़ करोगे लोगों को, उतना ही कम भार आपके मन में रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर। और ऐसे कई सारे और चीज़ें हैं जो हम आए दिन सीखते हैं, बेसिकली जो जितनी अच्छाइयाँ हैं। बिल्कुल जुबिन, बहुत शुक्रिया जुबिन जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही हमारे खास सेगमेंट में फलात रही।